हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम द्विघात समीकरण। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5th को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। पहले मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स। दोनों को पढ़ के आपको एक चीज समझ में आई होगी, हिंदी में भी इंग्लिश में, ताकि समझने में तुम्हें भी आसानी हो जाए, कि यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको पहले बनाना है, जिसको हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। खासियत क्या होती है इसका, एक एंगल तो 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये मैंने बना लिया 90 डिग्री का। इसको यहां पर नाम दे दिया ए, इसको अभी के लिए ए नाम देता, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया एल, ये एम और ये एन, थोड़ा कंफ्यूजन से बचने के लिए। ठीक हो गया। तो ये जो सबसे लंबी साइड आपको दिखाई दे रही है, इसी लंबी साइड को हम बोलते हैं हाइपोटन्यूज, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण, ठीक है। ये वाली साइड जो दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, और हिंदी में इसका नाम होता है लंब। और ये जो साइड है इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस, और हिंदी में क्या बोलेंगे, आधार। ठीक हो गया। तो अब आप देखें, इसमें आपको हिंदी में लिखा है कर्ण 13 सेंटीमीटर है, हाइपोटन्यूज कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये, एक मिनट कलर चेंज कर दूं पहले, ये जो सबसे लंबी वाली साइड है ना, सबसे लंबी वाली भुजा है ये, जिसको नाम हाइपोटन्यूज से कर्ण है, ये वाली साइड हमें 13 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो बाकी की दो साइड्स नहीं दी हुई हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ कहा है। तो ये जो बेस दिख रहा है, जिसको आधार कहते हैं, इस भुजा को मैं मान लेता हूं, इस भुजा को एक्स, इस साइड को मैंने मान लिया एक्स, मतलब इसकी लंबाई जो है मैंने एक्स मान ली। अब जो दूसरी साइड है इसके बारे में क्वेश्चन में क्या कहा है जरा देखो, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, हिंदी में लंब कहते हैं, इसको इंग्लिश में एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ये दिख रही है साइड, ये वाली साइड, ये इस साइड को लंब भी कहते हैं। इसके बारे में क्या कहा है हिंदी में, पहले पढ़ दे रहा हूं। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, एल्टीट्यूड जो है 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस से, ठीक है। तो मैं जरा यहां पर एक बार और बनाकर दिखाता हूं आपको, कंफ्यूजन ना हो कुछ। ये मैंने फिर से बना दिया, ये एंगल है, तो इसको मैंने मान लिया एक्स, ये हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो इसके बारे में क्या कहा है कि ये जो है 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, ठीक है। तो बेस से 7 सेंटीमीटर कम का मतलब क्या है, बेस लिखा माइनस लिखा 7। तो हमारे पास ये जो ऊंचाई है ना, जिसको हाइट कहते हैं, जिसको एल्टीट्यूड कहते हैं, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसकी लंबाई है एक्स माइनस 7। तो ये वाली जो साइड है इसकी लंबाई है एक्स माइनस 7, ये जो लंबाई है इसकी, ये जो साइड है इसकी लंबाई है एक्स, और ये जो सबसे बड़ी साइड है इसकी लंबाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। पहले इंग्लिश में लिख देता हूं, वो होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटन्यूज का स्क्वायर। हिंदी में उसको कहेंगे ऊंचाई, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू, और हाइपोटन्यूज को क्या बोलते हैं हम, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर। तो जब भी आपके पास एक राइट ट्रायंगल दे रखा होगा, एक समकोण त्रिभुज दे रखा होगा, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना होगा। अब देखो तुम्हें कौन कौन सी चीज दे रखी है। ऊंचाई तुम्हें कितनी दे रखी है देखो, एक्स माइनस 7। आधार कितना दे रखा है तुम्हें, एक्स। कर्ण तुम्हें कितना दे रखा है, 13। तो ऊंचाई की जगह तो हमने रख लिया एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, आधार की जगह रख लिया एक्स स्क्वायर है तो साथ में स्क्वायर, और कर्ण की जगह हमें रख लिया 13, स्क्वायर है तो स्क्वायर।
आप सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने से पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो क्योंकि a माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है तो x माइनस सेवन के होल स्क्वायर को भी इसी तरीके से एक्सपेंड करोगे। आप देखो a की जगह x है और b की जगह सेवन है, तो ये हिसाब आगे भी लगातार बनाए के रखोगे। a की जगह क्या रखोगे, x साथ में स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह क्या रखोगे, सेवन स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, टू की जगह टू, मल्टीप्लाई ए की जगह एक्स मल्टीप्लाई बी की जगह सेवन। ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर हो गया 49, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 14x। ये समझ में आ गया, तो मुझे एक्स माइनस सेवन के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता चल गया। अब इसी को मैं यहां पर लिखूंगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर कितना, हाँ ठीक है, ये है 49 माइनस 14x, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, और 13 का स्क्वायर होता है 169। अब ये देखो ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, तो मिलाकर हो गया 2x स्क्वायर। फिर इसको देखो ये क्या लिखा है, ये है माइनस 14x। फिर इसको देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है प्लस 49 इक्वल टू क्या है 169। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको अगर यहां लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो ये हो जाता है माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक हो गया, इस इक्वेशन को मैं दोबारा नीचे लिख लेता हूं। इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब देखो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 2 से, इसको इन सभी को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं सारे। ये 2 कितने जा रहा है, 1 जा, ये कितने जा रहा है, 2 7 जा, और ये कितने जा रहा है, 2 60 जा, और ये कितने था, 0। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये देखो 1 भी था यहाँ पर। सबसे पहले इस 60 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 60। अब 60 को तुम कैसे लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई 10, ये समझ में आ गया होगा। अब 6 को 6 रहने दिया, 10 को मैं लिख लेता हूं 5 2 10। ठीक हो गया, तरीके बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका अप्लाई करते हैं। अब अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आता है, 12 मल्टीप्लाई, और 5 को ऐसे ही रहने दो। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, देखो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 60 आ रहा है, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 60 आता है। तो आप ये देखो कि अगर मैं 12 में से माइनस कर दूं 5 तो मुझे ये बीच वाली टर्म मिल जा रही है जो कि क्या है 7। यही चाहिए था इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। 12 को हम क्या बोलेंगे, 12x, 5 को क्या बोलेंगे हम, 5x, फिर दोनों को क्या करेंगे माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा 7x। क्या कोई और तरीका है भाई, एक तरीका और है, 60 जिस इसके टेबल में आता है वो सब लिख लो। 10 मैं दोबारा लिख के दिखाता हूं, 10 6 हो गया 60, 12 5 हो गया 60, और भी जीसस के टेबल में आता है सब लिखो। तो एक जोड़ा तो तुम्हारे पास ये बना हुआ है, एक दूसरा जोड़ा ये बना हुआ है। तो पहले जोड़े के अंदर 10 और 6 है, दोनों को जोड़ के देखो तो आंसर आ रहा है 16। 10 और 6 को घटाओगे तो आंसर कितना आ गया, 4। तो बीच में आपको 7 चाहिए। 12 और 7 को जोड़ोगे तो, 12 और 5 को जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 17, और 12 में से 5 को घटाओगे तो उत्तर आ गया आपके पास 7। तो बीच में आपको 7 ही चाहिए था, तो इसीलिए हमने 12 की जगह 12x लिख दिया, 12 की जगह नहीं 5 की जगह 5x लिख दिया, माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 7x। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो 7x है इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, पहले तो ये देखो ये x स्क्वायर लिखा है, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ x मल्टीप्लाई x,
सेवन एक्स की जगह मुझे लिखना है, पहले पीछे भी बताया आपको, क्या लिखेंगे, 12x माइनस 5x और लास्ट में -60 इक्वल टू जीरो। ये तो हो गया x मल्टीप्लाई x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अभी के लिए तो आप ये देखो कि 12 के साथ कौन सा साइन है, उसके आगे प्लस है और 5 के आगे कौन सा साइन है माइनस। तो जैसे ही ये वाला जो ब्रैकेट है इसको हटाओगे, ये जो ब्रैकेट है इसको हटाओगे, तो 12 के आगे का जो साइन है ना वो बदल जाएगा। तो 12 के आगे का साइन प्लस है तो वो हो गया माइनस, 5x के आगे माइनस है तो हो गया प्लस, -60 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको तो ऐसे ही लिख दिया हमने, 12x को तो हमने लिखा 12 मल्टीप्लाई एक्स, 5x को लिखा हमने 5 मल्टीप्लाई एक्स और 60 को लिखा हमने 12 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या करना है ये देखें आप, अब हमें निकालना है कॉमन। तो सबसे पहले आप इन दोनों को देखें, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, एक्स यहां पर भी है एक्स यहां पर भी है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, फाइव यहां पर भी है फाइव यहां पर भी। तो अब हमें क्या करना है, तो क्योंकि एक्स, ये एक्स और ये एक्स बाहर आ चुके हैं, तो अंदर से हमें क्या बचा, ये एक्स बचा, ये माइनस बचा और ये 12 बचा। ये प्लस का प्लस यहां उतार दिया, यहां से क्या बचा, देखो फाइव फाइव बाहर आ चुका है तो पहले इनको बाहर कर दो। यहां से बचा एक्स, यहां से बचा माइनस, यहां से बचा 12 और लास्ट में इक्वल टू जीरो। अब ये जो चीज आई है इसमें एक चीज देखो कि ये क्या है, दोनों में सेम है, देखो यहां पर भी ये है यहां पर भी है, एक्स माइनस 12 दोनों में है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो एक्स माइनस 12 है इसको बाहर करने वाले हैं। तो बाहर करूंगा तो इसका मतलब है इसको बाहर लिखूंगा मैं, तो दूसरे ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना चाहिए, जो बच गया, बचा कौन, ये एक तो एक्स बचा और ये प्लस फाइव बचा इक्वल टू जीरो। तो एक बार इसको जीरो के इक्वल रखोगे, एक्स माइनस 12 को जीरो के इक्वल रखोगे, और एक बार इसको जीरो के इक्वल रखोगे, एक्स प्लस 5 को जीरो के इक्वल रखोगे, प्लस 5 को वहां लेके जाओगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5, माइनस 12 को यहां लेकर आओगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि हमारे पास जो समकोण त्रिभुज था जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा गया, उसकी तीन साइड्स हैं, ये वाली साइड तो 13 दे रखी है, ये साइड एक्स दे रखी है और ये साइड हमको हम दिखा दी एक्स माइनस 7 है। क्योंकि x जो है वो क्या है, एक साइड की लेंथ है, एक भुजा की लंबाई है, और भुजा की लंबाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो x का ये वाला मान, ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब x की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 12। तो इसका मतलब है ये वाली जो साइड है, ये वाली जो भुजा है, ये तुमने अगर 12 निकाली है तो फिर ये वाली भुजा कितनी होगी। तो उसके लिए x की जगह 12 रखो, माइनस की जगह माइनस रखो, 7 की जगह 7 रखो, तो ये 5 आ रहा है। इसका मतलब है यहां से यहां तक की लंबाई हमारे पास कितनी है, 5। तो हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो समकोण त्रिभुज है, उसमें इसकी लंबाई 13 आ गई है, इसकी 12 आ गई है और इसकी हमारे पास इसकी 5 आ गई है और इस वाले की 12। तो इस तरीके से हमारे पास अब तीनों भुजाएं हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।